Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। समय के साथ अब हमारे सामने ऐसे विषय भी जुड़ते जा रहे हैं जिनके बारे में 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। मैं समझता हूं इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, कल का दिन भारत के लिए बहुत ही खुशियों भरा दिन था। कल G20 सम्मेलन का शुभारंभ था। साथियों, जो G20 में भारत की जो साख बनी है दुनिया में, वह बहुत जबरदस्त है। साथियों, G20 शिखर सम्मेलन में जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में बहुत बड़ा फैसला लिया गया। साथियों, जो क्रिप्टो करेंसी में बहुत से लोग अभी काम करते हुए डरते थे कि यह इल्लीगल है, हमें आगे चल के परेशानी हो सकती है, तो साथियों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो G20 में भारत ने फैसला लिया और विश्व को इसके लिए एक वैश्विक कानून बनाने के लिए जो कहा, वह बहुत ही ज़बरदस्त है। साथियों, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भरत मंडप में जारी G20 देशों की शिखर सम्मेलन में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। G20 में शामिल सभी देश इस बात पर सहमत हो गए हैं, राजी हो गए हैं कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाना चाहिए, उसके लिए एक वैश्विक कानून। साथियों, क्रिप्टो करेंसी पर कोई सिंगल देश कानून नहीं बना सकता, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वर्ल्ड वाइड काम करती है, पूरे दुनिया में काम करती है, इसलिए एक वैश्विक कानून की ज़रूरत है। इसके लिए एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। इस पर जो भारत ने जोर दिया और जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में तेज़ी से हो रहे विकास और जोखिमों को पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को G20 वित्तीय समावेशन कार्य योजना में भी एकीकृत किया गया है, जो 2024 से और 2026 के बीच चलेगा। तो साथियों, क्रिप्टो करेंसी पर G20 में बहुत ही ज़बरदस्त फैसला लिया गया, अब इसे रेगुलेट किया जाएगा। पूरा विश्व इस पर एक मिलकर एक वैश्विक कानून बनाएगा। यह हमारे क्रिप्टो करेंसी यूज करने वाले और जो कीवो फैमिली है इसके लिए बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज है। दोस्तों, सिमडी सर हैं, वह पहले से ही इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने सभी मेंबर को बता दिया है कि KYC करना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को ये पता होना चाहिए कि यह क्रिप्टो करेंसी कौन यूज कर रहा है। जब आपकी KYC होगी तभी वेरीफाई हो पाएगा कि आप लीगल आदमी हैं और लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। एक लीगल वे में काम होगा और लीगल वे में काम कीजिए, बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। साथियों, जो BCT एक्सचेंज है वह बहुत जल्द ही सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। सिमडी सर की एक ऑडियो आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि बहुत जल्द ही सबको BCT एक्सचेंज दे दिया जाएगा। इसमें बहुत से तेज़ी के साथ लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अपनी टीम से भी करवा रहे हैं, जिससे 25 लेवल तक आपको MPC मिलेगी और यह 100 सालों तक मिलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि आप क्वाइन जो है एक दिन में आपकी क्वाइन ख़त्म नहीं होने वाली है। तो
आपको जब भी कोई सेल करेगा, बाई करेगा, वहाँ से आपको एमपीसी मिलेगी। तो यह बहुत ज़बरदस्त एक्सचेंज होने वाला है दोस्तों, और यह आपको सीएमडी सर ने बताया है कि यह 15 तारीख तक सभी को दे दिया जाएगा और सभी लोग इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आपको जो कॉइन ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन मिल जाएगा और विड्रॉल का भी ऑप्शन मिल जाएगा और फंड ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यह बहुत ज़बरदस्त है कि वो फैमिली के लिए, और अब लोग क्रिप्टो करेंसी में दिल खोलकर काम करेंगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब भारत सरकार ने इसको रेगुलेट पहले से ही कर दिया है, और उसने G20 में जो विश्व की 85% GDP पर इस G20 का कब्जा है, उसको उन्होंने बताया कि यह एक नई करेंसी है या एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, इस पर एक वैश्विक कानून बनाना ज़रूरी है, और इस बात पर सभी देश सहमत हो गए। तो दोस्तों, यह किबो फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किबो।